नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस थ्रिविंग चैनल ने। व्यापम ने मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की भर्ती निकाल दी है। और ये भर्ती बहुत ही बड़े तौर पर है, इसमें कुल पद 17 17 हजार है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इस भर्ती की पूरी डिटेल डिटेल के साथ, और इसमें देखते हैं इसके रूल बुक को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों ये है इसका रूल बुक, यहाँ पे लिखा गया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम। और आइए देखते हैं इसमें मुख्य बातें। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 11/9/2018। पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है 11/9/2018 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 25/9/2018। ठीक है, 25/9/2018 तक इसका अंतिम तिथि है। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि 30/9/2018। और परीक्षा दिनांक व दिन है 29 दिसंबर 2018 से प्रारंभ होगा इसका परीक्षा, और कब तक चलेगा ये जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन 29 दिसंबर 2018 से परीक्षा स्टार्ट होगी। और यहाँ पे परीक्षा शुल्क दिया गया है, देखिए जनरल के लिए 500 रुपये है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग और नि सक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये है। ठीक है, और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और ये कैटेगरी के हैं तो उनके लिए 250 लगेगा। लेकिन इस कैटेगरी के अगर मध्य प्रदेश से बाहर के यानी कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो उनको जनरल के अंतर्गत पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो जनरल में गिने जाएंगे ना कि इस जाति में गिने जाएंगे। ठीक है, इस कैटेगरी में नहीं रहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति से हों, लेकिन अगर वो अदर स्टेट के हैं तो वो जनरल में गिने जाएंगे, उनका सिलेक्शन जनरल में ही होगा। तो इसलिए वो लोग 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र देंगे, यानी कि 500 रुपये एग्जामिनेशन फीस देंगे। तो चलिए आगे जानते हैं कुछ मुख्य बातें। देखिए ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारिणी दी गई है। देखिए ये CBT एग्जाम होगा, इसमें समय सारिणी है इसकी, ये दो पाली में होगा, परीक्षा पाली एक और द्वितीय में, और 29 दिसंबर 2018 से प्रारंभ होगा परीक्षा। और अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम है, अगर फर्स्ट शिफ्ट में है पहली पाली में है तो 7 बजे से 8 बजे तक, और दूसरी पाली में 12 बजे से 1 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय, मतलब उसमें आपको टाइम दिया जाएगा निर्देश पढ़ने के लिए, तो 8:50 से 9 बजे तक, और दूसरी पाली के लिए 1:50 से लेकर 2 बजे तक 10 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और उत्तर अंकित का समय, आप लोग अपना आंसर अंकित कर सकते हैं। तो प्रातः 9 बजे से एकदम परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट पाली की, और 11:30 बजे तक चलेगी, यानी कि 2.5 घंटे का पूरा समय मिलेगा आपको। और इसी तरह दूसरी पाली के लिए 2 बजे से स्टार्ट होगी और 4:30 बजे तक चलेगी, यानी कि इनका भी 2.5 घंटे पूरा समय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ टिप्पणी है, टिप्पणी में मुख्य बात है कि आपके पास वैलिड आधार कार्ड होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, और उसके द्वारा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। जैसे कि आप यहाँ पे मतदान पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई भी चयनित कर सकते हैं। ठीक है, ये टिप्पणी की मुख्य बात है, खुद आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आगे देखते हैं हम लोग, ये है अध्याय, और अध्याय एक है पात्रता परीक्षा संबंधी नियम। देखिए पात्रता परीक्षा संबंधी नियम है, इसको देखना जरूरी है। पद का विवरण है उच्च माध्यमिक शिक्षक, और कहाँ गया, पद की श्रेणी है द्वितीय राजपत्री, सेकंड क्लास का ये जॉब है, मतलब कि द्वितीय है राजपत्रित। और पदों की संभावित संख्या है, देखिए संभावित संख्या है 17,000 लगभग, या तो 17,000 से ऊपर भी जा सकता है या 17,000 से कुछ नीचे भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन लगभग 17,000 है। और यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है। प्रथम चरण में 15,000 पदों की पूर्ति की जाएगी, शेष पदों की पूर्ति द्वितीय चरण में की जाएगी। देखिए प्रथम चरण में 15,000 पदों की पूर्ति की जाएगी और शेष पदों की पूर्ति द्वितीय चरण में की जाएगी। ठीक है, तो 15,000 की पूर्ति पहले पहले कर ली जाएगी और दूसरे में बाकी जो बचेगा उसकी की जाएगी।
और पदों का वेतन है, देखिए उच्च माध्यमिक शिक्षक न्यूनतम वेतन है 36,200 और प्लस महंगाई भत्ता, यानी कि 40 से 45 हज़ार आपका सैलरी होगा, महंगाई भत्ता सब जोड़ जाड़ के। देखिए यहाँ पे मुख्य बात हम लोग कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता निम्नलिखित अनुसार होगी। देखिए संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड डिवीजन, द्वितीय श्रेणी सेकंड डिवीजन में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि होनी जरूरी है सेकंड डिवीजन के साथ, और साथ में बीएड या उसके समकक्ष यानी कि बीएड क्वालिफाई होना चाहिए उसके साथ, तब आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर डिग्री और साथ में बीएड क्वालिफाई होना अनिवार्य है। और आगे देखते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे मुख्य बात कही गई है कि न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक, मतलब कि आपको कितना नंबर लाना है पास होने के लिए। देखिए इसमें कम से कम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग को 50% नंबर लाने ही लाने हैं पास होने के लिए, और जनरल के लिए 60% रखा गया, ये पास करने के लिए नंबर रखा गया है। ठीक है, मेरिट के लिए नहीं है, मेरिट हो इससे हाई ही जाएगी, तो कम से कम आपको पास करने के लिए इतना रहना चाहिए। जनरल और ओबीसी एससी एसटी अन्य दिव्यांग गंजन मतलब हैंडीकैप वगैरह पीएच, तो 50% उनके लिए रखा गया है। लिखा गया है देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो केवल उन्हें ही 50% अहंकारी अंक का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, उन्हें ही 50% मिलेगा जो मूल निवासी हो मध्य प्रदेश के, अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अहंकारी अंक का 60% होगा, मतलब कि अन्य राज्य के चाहे किसी भी कास्ट के हो तो वो 60% यानी कि जनरल के बराबर उनको लाना पड़ेगा, वो इस उनकी जाति चाहे जो भी हो तो वो नहीं मानी जाएगी, वो जनरल ही माने जाएंगे। ठीक है, उनका मेरिट भी जब बनेगा तो जनरल के अनुसार बनेगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं निर्धारित आयु सीमा, देखिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है, 21 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि 21 वर्ष न्यूनतम आयु है, और अधिकतम आयु नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया अतिथि अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो, उनकी अधिकतम आयु सीमा बाहर के आवेदकों के लिए आयु सीमा, देखिए उनकी आयु सीमा ये दी गई है इस लाइन में, और बाकी के लिए ये अधिकतम आयु है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, तो ये जो किए होंगे काम वो समझ सकते हैं। ठीक है, मेन मुद्दे की बात यह है अधिकतम आयु सीमा, इसको देखते हैं 3 नंबर रो को। देखिए पुरुष आवेदक के लिए अनारक्षित वर्ग 40 वर्ष और महिला आवेदक अनारक्षित 45 वर्ष। ठीक है, पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के नियम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर के सैनिक जो हैं उनके लिए 45 वर्ष, और पुरुष महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग उनके लिए 45 है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो मध्य प्रदेश के निवासी होंगे और ये जाति के अंतर्गत आएंगे। आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत उनके लिए 45 रखा गया है, परंतु अगर वो मध्य प्रदेश के नहीं हैं तो उनके लिए महिलाओं के लिए 45 और पुरुषों के लिए 40 है, और जनरल कैटेगरी के लिए भी पुरुष के लिए 40 और महिलाओं के लिए 45 है। ठीक है, और हैंडीकैप वगैरह के लिए 45 वर्ष रखा गया है, ये अधिकतम आयु सीमा है और न्यूनतम 21 थी। आइए आगे देखते हैं वीडियो को। ये सब आरक्षण वगैरह का पूरा जानकारी दिया गया है, ये सब तो आप खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसको, बाकी मैं मेन बात बता देता हूँ आपको। देखिए ये एग्जामिनेशन सेंटर हैं सारे एमपी में हैं, 20 सेंटर दिए गए हैं टोटल, भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर उज्जैन नीमच रतलाम मंदसौर सागर सतना खंडवा गुना दमोह कटनी सीधी
छिंदवाड़ा, बालाघाट, रीवा, सिवनी, खरगोन, ठीक है, इतने सेंटर है ऑनलाइन एग्जाम परीक्षा केंद्र, मतलब ऑनलाइन परीक्षा केंद्र, यहाँ पे सारी परीक्षा ली जाएगी। मतलब इतने ये सेंटर आप अपने फॉर्म फिल करते समय अपने अनुसार दे सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये देखते हैं परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम को, ठीक है, ये विषय है, सिलेबस है, आपका क्या क्या रहेगा इसको देख लेते हैं। देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न बहु विकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है, और वास्तविक चार विकल्प वाले होंगे, मतलब कि आप मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, मतलब चार विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प आपको सही करना है। प्रत्येक प्रश्न हेतु एक अंक निर्धारित है, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, और परीक्षा समय 2.5 घंटे की होगी, और इस परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र होगा कुल 150 होगा, ठीक है, 150 नंबर का क्वेश्चन टोटल ये पेपर होगा, 150 नंबर का। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी, ठीक है, और प्रत्येक सही प्रश्न हेतु एक अंक निर्धारित होंगे, ठीक है, एक अंक का एक क्वेश्चन होगा, और प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे, ठीक है, इसमें दो भाग होंगे क्वेश्चन के, प्रश्न पत्र के ए बी, ठीक है, दो भाग, भाग अ में सभी के लिए अनिवार्य होगा। देखिए, भाग अ जो होगा एग्जाम जो होगा भाग अ का, सभी के लिए अनिवार्य होगा, और भाग भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषयों का चयन करना होगा, ठीक है, जो आपने पोस्ट ग्रेजुएट में जो विषय लिया होगा, जिससे किया होगा, तो वो विषय अपना चूज कर सकते हैं भाग बी के लिए, ठीक है, वो सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम होगा भाग बी। और भाग अ के 5 खंड होंगे, जिसमें अंकों का अधिभार निम्न अनुसार है, ठीक है, भाग ए के 5 खंड होंगे, और जिसमें अंकों का अधिभार निम्न अनुसार, जिसमें बताया गया टोटल कितने नंबर्स के होंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, ये भाग ए है, ये सभी के लिए अनिवार्य होंगे। देखिए, इसमें सामान्य हिंदी 10 प्रश्न, 10 अंक के सामान्य अंग्रेजी 8 प्रश्न, 8 अंक के सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटनाक्रम 10 प्रश्न, 10 अंक के तार्किक एवं आंकिक योग्यता, देखिए रीजनिंग भी है, 7 प्रश्न 7 अंक के, और पेडागोजी, पेडागोजी सब्जेक्ट है, इसमें 15 प्रश्न 15 अंक के होंगे, ठीक है, तो टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 50 और टोटल अंक हो गए 50, ठीक है। और एक बात मुख्य मैं बता देता हूँ, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, 50 प्रश्न 50 अंक के हो जाएंगे। और फिर उसके बाद भाग बी का एग्जाम होगा, देखिए भाग बी है, इसमें 100 अंक का होगा, ठीक है, ये 100 अंक का पेपर होगा भाग बी, और इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 100, लेकिन एक विषय से होगा ये, और प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय नीचे तालिका दी गई, देखिए 16 विषयों की तालिका दी गई है, नीचे दिए गए अनुसार होंगे, और जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातोत्तर, देखिए ये पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, ठीक है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट में जो सब्जेक्ट होगा, आप वो उस सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज करेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए, इसमें 16 तालिका ये हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी भाषा 100 प्रश्न 100 अंक के, अंग्रेजी भाषा 100 प्रश्न 100 अंक के, संस्कृत भाषा 100 प्रश्न 100 अंक के, उर्दू भाषा 100 प्रश्न 100 अंक के, गणित 100 प्रश्न 100 अंक के, भौतिक विज्ञान 100 प्रश्न 100 अंक के, जीव विज्ञान 100 प्रश्न 100 अंक के, रसायन विज्ञान 100 प्रश्न 100 अंक के, गृह विज्ञान 100 प्रश्न 100 अंक के, देखिए वाणिज्य 100 प्रश्न 100 अंक के, इतिहास 100 प्रश्न 100 अंक के, भूगोल 100 प्रश्न 100 अंक के, राजनीति शास्त्र 100 अंक 100 प्रश्न 100 अंक के, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स 100 प्रश्न 100 अंक के, कृषि 100 प्रश्न 100 अंक के, समाजशास्त्र 100 प्रश्न 100 अंक के, ठीक है। तो ये आपका जो विषय होगा उसके अनुसार एक सब्जेक्ट का ये एग्जाम होगा, ठीक है, चाहे आपका कोई भी हो 16 में से एक सब्जेक्ट, ठीक है, और नीचे इसकी पूरी डिटेल दी गई है, नीचे आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं, हिंदी सब्जेक्ट वाइज पूरा डिटेल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जब आप फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन, और सिग्नेचर फोटो वगैरह बहुत ध्यान से भरिएगा, ठीक है,
और वीडियो बंद करने से पहले जाते जाते मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कहाँ से करेंगे? देखिए यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और ऑनलाइन फॉर्म हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और यहाँ से क्लिक करने के बाद ये पेज खुल के आएगा और इस पेज पे यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018, इसके इस ग्रीन वाले पे टिक करना है जिसपे ये टिक बना हुआ है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे आवेदन करने के लिए तो ये पेज खुल कर आएगा और इस पे आपको यहाँ पे टिक करना है और फिर इसको आगे बढ़ाए, ठीक है, इसको आगे बढ़ाना है तो ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म खुल के आ जाएगा, फिर आपको फिल करना है। तो बाकी आप सभी ने और भी जॉब के लिए फॉर्म फिल किया होगा, नियम वैसा ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे जैसे फॉर्म फिल करेंगे आपको समझ आ जाएगा, और रूल बुक में पूरा डिटेल दिया है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके पूरा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो जिन जो लोग ये एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे और या तो उसके लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी की बात है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बने रहें सक्सेस थ्राइविंग चैनल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।